जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11 का टॉपिक नंबर 1 समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली विविध कर रहे हैं। विविध के 21 क्वेश्चन हम कल तक के वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखिए। देखिए, हमने बंद अंतराल और खुला अंतराल, दो अंतराल पढ़े थे, उन अंतरालों से रिलेटेड क्वेश्चन है नंबर 22। क्या कह रहा है? पहला इसका, x such that x belongs to R, a less than x less than b। देखिए, less than, एक तो था बंद अंतराल, एक था खुला अंतराल। अब देखिए, जब less than हो और equal का साइन नहीं हो तो अंतराल कौन सा होता है? बंद अंतराल, a कॉमा b। क्या होता है? a कॉमा b। इसी तरह देखो सेकंड पार्ट, x such that x belongs to R, 3 less than x less than equal to 5, 3 less than x less than equal to 5, then क्या होगा? बंद अंतराल 3 और खुला अंतराल 5। जब equal का साइन होता है तो कौन सा अंतराल आता है? खुला अंतराल आता है। अब इसी तरह देखिए इसका, 0 less than equal to x less than 8। देखिए, 0 less than equal to आते ही आपका आ जाता है खुला अंतराल। कौन है? 0। और कौन है? 8। लेकिन 8 के साथ क्या है? इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये वाला निशान लगेगा। इसी तरह देखो, -1 less than equal to x less than equal to 5, दोनों में less than है, देन बड़ा कोष्टक -1 कॉमा 5 कोष्टक बंद। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में, अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आपको अंतराल दे रखा है समुच्चय निर्माण में, 22वें में क्या था? समुच्चय निर्माण दिया था, आपको अंतराल लिखना है। इस बार अंतराल दिया हुआ है ना, आपको समुच्चय निर्माण रूप बनाना है। तो देखिए, इसका फर्स्ट है 2 और 5, और कौन सा है? बंद अंतराल 2 और 5। तो देखिए, लिखे अपन इसका समुच्चय निर्माण रूप, तो क्या होगा? x such that x belongs to R। अब 2 और 5 बंद कोष्टक में है तो अपन क्या लिखेंगे? 2 less than x less than 5। ये आ गया आपका। अगला इसका है आपका 0.7, ये वाला कोष्टक है। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका समुच्चय निर्माण, x such that x belongs to R। अब देखो, ये कौन सा बॉक्स आ रहा? बड़ा बॉक्स आ रहा। बड़ा बॉक्स किस में लगता है? इक्वल में। तो 0 less than equal x less than सिर्फ, और ये छोटा कोष्टक है तो 7। फिर है 2 और 10, बड़ा कोष्टक 2, 10। अब दोनों में क्या आ रहे हैं? बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में क्या है? लेस देन इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। क्यों? कि दोनों में कोष्टक कौन सा आया? बड़ा। बड़ा कोष्टक आते ही क्या लगता है? लेस देन इक्वल टू का चिन्ह। फिर आ रहा देखो -5 और 0, एक तरफ आ रहा है छोटा और एक तरफ आ रहा है बड़ा। तो क्या लिखेंगे समुच्चय निर्माण में? x such that x belongs to R, -5 less than x less than equal to 0, क्योंकि यहाँ बड़ा कोष्टक आ रहा है और यहाँ आ रहा है छोटा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका, सेट ए दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए 24 में आपका ए दे रखा है समुच्चय निर्माण में, x such that x belongs to n, क्या है? n। और दे रखा है आपका 2 less than equal to x और less than equal to 9। ये आपका सेट ए दे रखा है, और सेट बी दे रखा है। सेट बी है x such that x दो अंकों
अंकों की प्राकृत संख्या x सच दैट x दो अंकों की प्राकृत संख्या, दो अंकों की प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग आठ हो, का योग आठ हो, यह है आपका बी, ये आपका बी। फिर कह रहा है इसके चार ऑप्शन हैं, उन चारों को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो अपन इसको कौन से रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण, उसको किस में बनाएंगे, रोस्टर रूप में। तो सेट ए क्या होगा, देखिए आपका ये क्या रहा है, अंतराल है टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू नाइन, तो लिखेंगे देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बी बना दे आप, बी में क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या जिनके अंकों का योग आठ हो, तो दो अंक कहाँ से हो रहे हैं, 10 से शुरू होते हैं, तो फिर 11 का योग कितना आया, 2 आया, 12 का योग 3, तो योग कितना आना चाहिए 8, तो पहला अक्षर होगा 17, क्या होगा 17, उसके बाद में आएगा 26, 2 और 6, 8, फिर आएगा 3 और 5, 35, 44, कितना गए 44, फिर 53, 5 और 3, फिर आपके कहेंगे 62, योग 2, 8 आना चाहिए, और फिर आएगा 71, यह है दो अंकों का योग 8 आने का कौन सा रूप, रोस्टर रूप। अब हमें सबसे पहला इसका ऑप्शन कह रहा है ए यूनियन बी, चॉइसवे का पहला है ए यूनियन बी, क्या कह रहा है ए यूनियन बी, तो देखो क्या होगा, यूनियन में जोड़ना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आएगा 17, फिर आएगा आपके 26, फिर 35, फिर 44, फिर आपका 53, फिर आपका 62, और फिर लास्ट में आएगा 71, ये है आपका ए यूनियन बी। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए इसका सेकंड भाग हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए आपका है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका ए है। इंटरसेक्शन बी कौन सा है, 17, 26, 35, 44 के बाद में 53, 62 और 71। अब इनका इंटरसेक्शन यानी इनमें कॉमन, तो देखिए यहाँ कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 5, क्या आया 5, रिक्त समुच्चय, क्या आया रिक्त समुच्चय। इसका तीसरा है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्या है 9 तक, मैं से घटाना है बी, तो बी कौन सा था 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71, क्या इनमें कोई भी अक्षर सेम है जो घटेंगे, इनमें कोई भी अक्षर सेम है जो घटेंगे, नहीं, तो इसका उत्तर आएगा ए माइनस बी में सिर्फ क्या बचेगा, ए ही आएगा वापस, कुछ भी नहीं घटेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आया इसका उत्तर। अब देखिए लास्ट इसका चौथा भाग, चौथा भाग बोल रहा है ए माइनस बी, अभी हमने लिखा है, फिर यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, देखो ए माइनस बी तो हमने निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन हमारे पास बी माइनस ए नहीं है, तो अपन पहले कैलकुलेट करते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए, देखो बी में क्या था 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71, ये थे बी,
माइनस ए घटाना है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो देखिए बी में से कोई अक्षर सेम नहीं है, कोई भी अक्षर सेम नहीं है तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो बचेगा कौन, बी। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। इसका मतलब अब क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों को जोड़ना है। तो ए माइनस बी की वैल्यू ये रही, ए माइनस बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनियन बी माइनस ए, ये रहा आपका बी माइनस ए, वही 17, 26, 17, 26 और ... अब देखिए इनका योग करेंगे अपन तो वापस सारे आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 फिर 17, 25, 35, 44, 53, 62 और 71। तो ये क्या है आपका, ए यूनियन बी है। क्या है आपका, ए यूनियन बी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कह रहा है आपका, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है ए दे रखा, यूनियन दे, यूनिवर्सल दे रखा आपका। यूनिवर्सल क्या दे रखा है, यूनिवर्सल है 1 से लेकर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपका यूनिवर्सल ये दे रखा है। फिर आपका दे रखा है ए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेट बी दे रखा है आपके 2, 3, 4, 2, 3, 4 और सेट सी दे रखा है आपका 4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10 ये है आपका सी। तो वो फर्स्ट इसका ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका ज्ञात करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कैसे होगा, पहले ए यूनियन बी को जोड़े, ये रहा आपका ए और ये रहा बी, तो अपन पहले ज्ञात कर रहे हैं ए यूनियन बी। ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन बी, बी की जगह 2, 3 और 4 जोड़े। तो देखो दो इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, तीन तीन सेम, तो वापस ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आ गया ए यूनियन बी। फिर इसके साथ क्या करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी, ये आपका आ गया इंटरसेक्शन बी की जगह है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब देखो इंटरसेक्शन में कॉमन भाग कट जाएगा, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो बचेगा क्या, देखिए 1, 5 और 6, 1, 5 और 6 ये आया आपका क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। ये आया आपका पहला, 25वें का पहला। इसी तरह देखिए 25वें का दूसरा भाग, 25वें का दूसरा भाग है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ए की जगह कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंटरसेक्शन बी, बी में कौन था आपके पास 2, 3, 4। अब देखो इंटरसेक्शन में 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में बच गया आपका 1, 5 और 6। ये इंटरसेक्शन बी में क्या आया, 1, 5, 6 का यूनियन सी के साथ, सी में कौन है 4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10। तो अब योग, यूनियन का मतलब होता है योग जोड़ लें, तो देखो 1, 5, 6, 4, 6 आपस में आएगा 8 और 10। ये है आपका इसका
दूसरा भाग 25वें का दूसरा भाग। फिर है तीसरा ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश कैसे निकलता है? ए डैश होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, यूनिवर्सल में यही था एक से दस, माइनस ए घटाना है। ए में कौन था? एक से लेकर छः, एक दो तीन चार पाँच और ये आपका छः। क्या बचा? एक दो तीन चार पाँच छः कट गए, बच गया सात आठ, सात आठ नौ दस, सात आठ नौ दस, ये आया आपका ए डैश। फिर निकालना है बी डैश, क्या निकालना है? बी डैश, तो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस में से बी घटाना है। बी आपके पास क्या था? दो तीन और चार, तो देखो दो तीन चार, दो तीन चार जाएंगे, बचेगा क्या? एक पाँच छः सात आठ नौ और दस, तो ए डैश आ गया, बी डैश आ गया, बी डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। जोड़ना है, ए डैश की वैल्यू क्या आई? सात आठ नौ दस, और बी डैश की वैल्यू क्या आई? सात आठ नौ और दस। बी डैश की वैल्यू आई एक पाँच छः सात आठ नौ दस, सेम वापस नहीं आएगा, तो ये आएगी आपके ए डैश यूनियन बी डैश, सात आठ नौ दस एक पाँच और छः, एक पाँच और छः। ये है आपके एक्सरसाइज विविध के क्वेश्चन ए 25वें के तीन बार। आज इतना ही, जय श्री कृष्ण।